गाइस ये रहा और इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अनबॉक्सिंग में पहले क्या करेंगे, एयरपॉड अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं इसको ये लगाने वाला हूँ, ये प्यारा लगेगा। तो गाइस ये रहा अपना वॉच सीरीज 9 एंड फिलहाल इसको अभी कनेक्ट भी करना है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर वेल। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप देख रहे हैं कूल बॉय कैन बी 18 ब्लॉग। तो गाइस, इस समय दिवाली आ ही गई है एंड दिवाली की शॉपिंग तो बनती ही है। एंड अभी हम यहां से चलेंगे, अभी तो फिलहाल मैं हूं नोएडा में और अपने हॉस्टल में ही हूं। तो पीछे अपना मेरा हॉस्टल देख रहे होंगे। और अभी हम यहाँ से चलेंगे दिवाली की शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हम चलेंगे ट्रेन का टिकट करने के लिए, क्योंकि घर भी जाना है हमें। वैसे तो मैं हमेशा ऑनलाइन टिकट करता हूँ, बट इस बार मैं ऑफलाइन टिकट लेने वाला हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी इस बार दिवाली के टाइम पे, क्योंकि जगह तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, ये तो पता है। बट ऑफलाइन टिकट का फायदा ये है कि ऑफलाइन टिकट लिया रहूंगा तो कम से कम मेरे पास एक फिजिकल टिकट तो होगा। ऑनलाइन टिकट होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी टिकट कैंसिल हो गई तो आप फिर भी चढ़ते हैं, तो उसमें आप का मान्य नहीं होता और फाइन भी देना पड़ता है। ये हाल है रेलवेज का। और फिलहाल तो सबसे पहले हम चलेंगे जगत, यहाँ से पास में ही जगत है। जगत यहाँ से करीब एक डेढ़ किलोमीटर है और वहीं पे कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, या दिवाली की शॉपिंग करेंगे हम। जो भी शॉपिंग करेंगे आपको दिखाएंगे भी क्या क्या हमने शॉपिंग किया है। तो अभी फिलहाल तो पहले रेडी हो जाते हैं, देख रहे हो टी शर्ट पे ही हूँ मैं। अभी तो मैं सो के ही उठा हूँ, ऑफिस तो था नहीं ना, क्योंकि आज संडे है, संडे को तो ऑफिस बंद रहता है। तो बढ़िया से नींद पूरी किया, 9:30 बजे तक मैं सोया हूँ। अभी तो फिलहाल हो रहा है 12 बज रहा है, और 12 बजने पहले मैं जाऊँगा नहाऊँगा, उसके बाद हॉस्टल का कुछ खाना खाऊँगा। हॉस्टल का तो कुछ खाऊंगा, कुछ पेट पूजा तो होनी चाहिए ना। पेट पूजा करने के बाद हम स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हम निकलेंगे जगत के लिए। तो फिलहाल रेडी हो जाते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। सो गाइस, फिलहाल तुम्हारा भाई भी हो गया है रेडी, देख रहे होगे। एंड अभी चल के लंच करते हैं। हॉस्टल में छोले भटूरे बने हुए हैं, क्योंकि संडे को यहाँ पे छोले भटूरे रहते हैं, मतलब बहुत टेस्टी बनाता है, गरम गरम खाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो चल के छोले भटूरे खाते हैं फिर निकलते हैं आराम से। मेरे को लगता है कि व्लॉगिंग अच्छा है, जैसी मेहनत करोगे दिखेगा आपको रिजल्ट। अगर आप बीच में छोड़ दे रहे हो या फिर कुछ दिन गैप ले रहे हो ना, तो वो उसका एल्गोरिथम नीचे आ जाता है। जैसे अभी हाल ही में मेरा हुआ है, मैं जैसे कि पहले रेगुलर वीडियोज अपलोड करता था, फिर एक एक दो दो दिन पर गैप दिया, अब 6-6 दिन का गैप रहता है, कभी कभी 10 दिन का गैप हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि व्यू वगैरह आने कम हो जाते हैं, दिक्कत होती है। और सब कुछ एक साथ मैनेज करना, जॉब एंड ये जो क्या कहते हैं ब्लॉगिंग मैनेज करना, बहुत बहुत टफ है भाई, बहुत टफ। ये तो मैंने फील किया है अभी। तो गाइस, शॉपिंग करके हम आ गए हैं एंड हम लाए हैं आईफोन का वॉच सीरीज 9 और लिए हैं एयरपॉड प्रो वायरलेस चार्जिंग केस। तो हम आपको दिखाते हैं, एक ये है एंड एक ये है। गाइस ये रहा और इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अनबॉक्सिंग में पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको एयरपॉड अनबॉक्सिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो गाइस चलो हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यस, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। पहले ये दिया है एयरपॉड प्रो है, ये देख सकते हो। और इसमें क्या क्या है ये सब बाद में पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है, मैं पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। और फिर ये रहा अपना सबसे मेन चीज़, यस, इसको बड़े प्यार से बोलते हैं। अब इसको भी खोलेंगे एंड इसके अंदर और क्या दिया है ये भी देखते हैं पहले। इसको तो इसमें डाल लेते हैं, इसने एक चार्जर दे रखा है इसी टाइप में। सो गाइस, अभी स्टोरेज ख़त्म हो गया था एंड उसको मैंने ट्रांसफ़र किया है मैकबुक में, और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आराम से। अभी फिलहाल फ़ोन का स्टोरेज खाली है एंड फिर आराम से अनबॉक्सिंग करते हैं, तो दिखाते हैं आपको। और अभी इसके साथ ये केबल चार्जर मिला है, और क्या क्या मिला है, ये कुछ मिला है, ये क्या है, अच्छा इसका एयरपॉड है, मतलब जो वो नहीं है, ये देखो ये मिला हुआ है। इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो दे रखा है, ये देखो 6 ठो भी, मतलब कि अगर ख़राब होता है तो आराम से आप लगा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है यार, बढ़िया चीज़ दी है इसने। ये रहा अपना, एंड अब
अब नेक्स्ट वन का है वॉच सीरीज 9 का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मैं। इसको रख देते हैं साइड में और फिर आपको बताएंगे भी कि इसका साउंड वगैरह कैसा है। उस हिसाब से भाई एप्पल का है तो साउंड क्वालिटी तो अच्छा होगा ही, इसे जानते ही हो। इसको चलो अच्छा इसको यहाँ पर रख देता हूँ मैं और अब मैं जल्दी से इसको भी अनबॉक्सिंग करता हूँ। पैकिंग ये लोग पैकिंग तो बहुत अच्छा करते हैं भाई। ये मिला दो डब्बा, दो डब्बे में पहले इसको ट्राई, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओह माय गॉड, तो अभी ये है मतलब दो इसने दे रखा है। एप्पल वाले को क्वालिटी मतलब क्वालिटी तो अच्छा होता है ये जानते ही हो। अब बारी है इसकी, इसको भी थोड़ा सा अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं। अबे खुल जा सिम सिम। ये रहा एप्पल सीरीज 9। अरे वाह, यही है सारा एप्पल का, क्वालिटी तो अच्छी दे रखा है यार इसने तो। अभी इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ से खोलते हैं गाइज। ये देखो चार्जर, ये इस साइड का चार्जर दे रखा है इन्होंने, मतलब चार्जर तो अच्छा है यार इसका, मतलब यहाँ पर रख दो चार्ज हो जाएगा। यस, लेकिन इस पर लगाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है इसकी इसमें बैटरी डेड है, इस वजह से खुल नहीं रहा है। एक बार फिर ट्राई करते हैं, लगता है बैटरी डेड है। तो मैं थोड़ा चार्ज करता हूँ फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखिए खुल गया, ये कितना प्यारा आ रहा है। इस पर फोकस नहीं कर पा रहा है ये। अभी तो इसको एप्पल में कनेक्ट करूँगा आराम से। म्यूज़िक भी है, बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें भी। लो बैटरी है इस वजह से, ये देखो। तो गाइस ये रहा अपना वॉच सीरीज 9 एंड फिलहाल इसको अभी 3 एप्पल प्रोडक्ट यहाँ पे है। यस, तो मैं इसको ये लगाने वाला हूँ, ये प्यारा लगेगा। सो गाइस अनबॉक्सिंग का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तो मैं झूले में हूँ, बढ़िया झूला झूल रहा हूँ हॉस्टल के। सो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो बोलना राधे राधे।